अब ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, हम डेली रूटीन में लगा के देखते हैं। पहले काम करते हैं, अपने साइकिल निकालते हैं, बाइक निकालते हैं, पहले उसको चलाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या फील होता है। तो अपनी साइकिल निकालो, और मतलब यहाँ निकालो अपने असाइनमेंट में, और देखो कैसे चलती है साइकिल, आज चलाना सीखेंगे। ठीक, आप कहोगे तो सीख क्या है, साइकिल क्या चलानी सीखनी। बाय जो है ये नेचर का लॉ है, कोई नहीं गिरना चाहता, कोई खड़े खड़े नहीं गिरना चाहता जमीन पे। बच्चा भी गिरने लगेगा वो भी अपना कुछ ना कुछ हाथ तो लगा ही लेगा। साइकिल पे चल रहे हैं, साइकिल पे अगर गिरने लगे तो कोई ऐसे तो गिरता नहीं, बस गिर रहे हैं तो गिरते जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो बाय नेचर अंदर से कोई सिग्नल आएगा जिससे कि बचा जा सकता है। और जो साइकिल को चलाने के लिए कोई फिजिक्स की क्लास तो लगा के आता नहीं कि साइकिल ऐसे सीखी, पहले फ्रिक्शन सीख लें, म्यू इन टू आर सीख लें, फिर साइकिल। तो बच्चा सीख लेता है क्यों, और अपने आप ही आ जाता है। जब आप बाइक या साइकिल तेज चला रहे हो और आपको एक गोल चक्कर काटना है बहुत तेज, तो आप अपनी साइकिल को बेंड करते हो या स्कूटर को बेंड करते हो। गली मोड़ मोड़ आता है, स्कूटर तेज है तो बेंड करते हो। जितना तेज मोड़ काटना चाहते हो, स्पीड नहीं स्लो करना, बेंड उतना ज्यादा करना पड़ेगा। अगर स्लो चल रहे हो बेंड कम करना पड़ेगा, आराम से चक्कर कट जाएगा। पर ऐसा नहीं हो सकता, हैंडल को ऐसे घुमाया और साइकिल घूम गई, ये नहीं हो सकता। गिरोगे गिरोगे, बिना बेंडिंग के कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत बेंड तो करना ही पड़ता है। ठीक है, यहां तक। हम क्यों बेंड करते हैं, एक मोटरसाइकिल रेस में बेंडिंग क्यों होती है, बेंडिंग समझ में आ रहा है ना, क्यों होती है, इसका आंसर है राइट। टायर क्योंकि इनके पतले होते हैं बाइक से और साइकिल के, तो टॉपिक का नाम है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। देखो अगर कोई साइकिलिस्ट सर्कल में घूम रहा है, गोल चक्कर में घूम रहा है, तो मैंने आपको एक रूल बता दिया फिजिक्स का कि सर्कल में या गोल चक्कर घूमने में एक फोर्स रिक्वायर्ड है जिसको बोलते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स। अगर वो फोर्स नहीं मिलती, साइकिल वाला सर्कल में कभी भी नहीं घूम पाएगा। आप कहोगे कि ये कैसे मिलती है, एक एक तरीका है, मैं जाऊं आप साइकिल पे बैठ जाओ, पैडल मारना मत, बेंड होना मत, मैं ही आपको पकड़ के घुमा देता हूं ऐसे। फिर आप कहोगे किसने दी सेंट्रिपेटल, मैंने दी सेंट्रिपेटल। आप साइकिल में जब ऐसे केस में चक्कर काटोगे तो फिर मैं दे रहा हूं ना सेंट्रिपेटल, लेकिन आप कहोगे साइकिल तो मुझे खुद चलानी है, तो ठीक है मैं छोड़ देता हूं। फिर आप खुद जनरेट करो सेंट्रिपेटल। तो खुद जनरेट करने का तरीका होता है आप साइकिल को बेंड कर लो। आप कहोगे बेंड करने से सेंट्रिपेटल फोर्स की का क्या रिलेशन है, देखो क्या हुआ। जब साइकिलिस्ट सीधा है, सीधा है तो वेट नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन सीधा है, साइक्लिस्ट क्या हो गया, बेंड हो गया। जब बेंड हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे हो गया, ये देखो आर फॉर, ये देखो सड़क ऐसे होगी, ये नॉर्मल रिएक्शन है राइट। यहां तक क्लियर है, अगर वो सीधा है तो नॉर्मल रिएक्शन सीधा है, बेंड हो गया नॉर्मल रिएक्शन बेंड हो गया। तो कितना बेंड हुआ वर्टिकल के साथ, बाय एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा बेंड हो गया। अगर ये थीटा बना लेना ऑल्टरनेट एंगल से, ये भी थीटा बना लो, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, कोई डाउट इस पे, क्लियर है यहां तक। ये अगर थीटा तो ये थीटा, अगर ये थीटा ठीक तो वर्टिकली ऑपोजिट ये भी थीटा। नॉर्मली हमने वेट के कंपोनेंट सीखे आज तक, एम जी, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। सर्कुलर मोशन के अंदर हम नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स निकालते हैं, हम वेट के भी निकाल सकते हैं, पर नॉर्मल रिएक्शन के निकालने ज्यादा इजी माने जाते हैं। देखो है तो वो भी फोर्स ही, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा। ठीक, याद रखना अगर मुझे मोड़ ऐसे काटना है, मुझे ऐसे घूमना है, तो मैं साइक्लिस्ट को ऐसे बेंड करूंगा। अगर मुझे ऐसे मोड़ काटना है तो साइक्लिस्ट भी ऐसे बेंड होके मोड़ काटेगा। तो जिस तरफ सेंटर ऑफ सर्कल है, बेंडिंग भी हमेशा उसी तरफ होती है। तो अगर साइकिल वाला इधर बेंड हो गया तो सेंटर कहां मिलेगा साइक्लिस्ट को, यहां मिलेगा। ठीक, तो अगर इधर बेंड हुआ तो इधर सेंटर है, क्लियर है यहां तक। तो देखो बेंड होने से क्या हुआ, कमाल की चीज देखो, बेंड होने से रिएक्शन का एक कंपोनेंट, रिएक्शन द फोर्स, रिएक्शन का एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर साइन थीटा अपने आप ही कहां लग गया, टुवर्ड्स सेंटर। तो इस साइक्लिस्ट को जरूरत नहीं है मेरी कि मैं पकड़ के इसको खींचूं, इसने खुद ही एक फोर्स जनरेट कर ली टुवर्ड्स सेंटर, और उस फोर्स का नाम क्या है, आर साइन थीटा। अगर वो बेंड ना होता, नहीं होता, तो थीटा क्या हो जाता, जीरो। आर साइन थीटा में थीटा जीरो पुट करो, आर साइन जीरो में क्या आंसर आता, जीरो। तो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स जाती, जीरो। तो फिर वो सर्कल में घूम
नहीं घूम सकता था, क्योंकि सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रिपिटल, और सेंट्रिपिटल कहां करती है? टुवर्ड्स सेंटर। कोई डाउट इसमें? तो बेंड होने से समझ में आया कि एक साइक्लिस्ट एक फोर्स जनरेट करता है कितनी आर? साइन थीटा, जो उसको एक्ट, या ये आर साइन थीटा एक्ट करती है सेंट्रिपिटल, या ये खुद को देता है एक फोर्स आर साइन थीटा जो एक्ट करेगी लाइक सेंट्रिपिटल और वो सर्कल में घूम जाएगा। हाँ, ये सेंटर की तरफ होएगा ना, आर साइन थीटा सेंटर की तरफ बेंडिंग है तो आर साइन थीटा टुवर्ड सेंटर चला जाता है। ठीक है, यहां तक? बॉडी का वेट कौन बैलेंस करता है? अब आर नहीं करता, आर कॉस थीटा। तो देखो, व्हेन अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ कर्व्ड पाथ, सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। देखो, ये तो रूल है, अगर कर्व पाथ गोल घूमना है तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो रिक्वायर्ड है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज टू स्मॉल, उसकी स्पीड के मुकाबले फ्रिक्शन कमजोर पड़ती है। अदर फ्रिक्शन भी फिसलने से रोकती है, वैसे फ्रिक्शन में हेल्प करती है ताकि हम स्लिप ना करें, पर फ्रिक्शन इतनी कमजोर पड़ जाती है कि उसको अपने आप को बेंड करना पड़ता है अगर वो स्पीड में एडजस्टमेंट नहीं चाहता। अगर स्पीड ही स्लो कर देगा फिर तो बात ही खत्म है, पर अगर स्पीड में जाना है तो उसको बेंड करना पड़ेगा ताकि वो क्या प्रोवाइड कर सके अपने आप को? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इसमें सेंट्रिपिटल फोर्स कौन एक्ट करेगा? आर साइन थीटा। और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर, आर फॉर रेडियस ऑफ ट्रैक, कि ये आर रेडियस में घूम रहा है तो रेडियस इसका आर है। राइट, क्लियर है यहां तक? तो आर रेडियस में तो एम वी स्क्वायर बाय आर। कोई कहता है एम आर ओमेगा स्क्वायर भी यूज कर सकते थे, कर लो, ओमेगा में आंसर आ जाएगा। पर नॉर्मली इस टाइप की प्रॉब्लम वी के साथ चलती है कि जैसे साइक्लिस्ट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो वी गिवन होता है। तो आर साइन थीटा इज एक्टिंग लाइक सेंट्रिपिटल, तो आर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगी? जितनी सेंट्रिपिटल, और सेंट्रिपिटल कितनी है? एम वी स्क्वायर बाय आर। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? और आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहे हैं? एम जी। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें, आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी। एम से एम क्या हो गया? कैंसल। आर से आर कैंसल। साइन बाय कॉस क्या होता है? टैन। तो आंसर क्या आ गया? टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी। तो अगर मैं आपको ये दे दूं, एक मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है और एक बाइक टर्न करेगा विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, आपको ट्रैकर रेडियस दे दूं पूरा कितने ट्रैक में घूम रहा है, आपको जी दे दूं, तो आप उस मोटरसाइकिल वाले को बोल सकते हो कैलकुलेट करके, भाई तू जो है वो 60 डिग्री पे बेंड हो जाना, जो भी एंगल आएगा, मान लो 60 डिग्री थीटा आ जाता है तो 60 डिग्री पे बेंड होगा तो तेरे को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तूने बेंडिंग 60 से नीचे कर दी फिर हो सकता तो फिसल जाए। तो यानी कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वी एंड थीटा, हायर इज द स्पीड, हायर इज द स्पीड, हायर इज द एंगल, उतना ही बेंडिंग का एंगल बढ़ जाएगा। तभी तो अगर हम बहुत तेज मोड को काटते हैं तो बेंडिंग उतनी ज्यादा कर लेते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा? तो साइक्लिस्ट के केस में बेंडिंग का एंगल कैसे निकलता है? बाय यूजिंग फॉर्मूला टैन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी। कोई डाउट इसमें? टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी। कोई डाउट इसमें? ठीक, फिर एक स्टूडेंट आया, वो कहता जी मेरे पास तो साइकिल ही नहीं है, मैं क्या करूं? मैं कहा फिर क्या है? बाइक होगी। कहता बाइक के लिए तो सेम ही प्रिंसिपल है, बेंड होना पड़ता है, मैं पसंद नहीं करता ये बाइक और साइकिल चलाना, मेरे पास तो फोर व्हीलर है, कार है, और मेरे को भी तो टर्न काटना है। तो मैंने कहा फिर घूम ले, क्या प्रॉब्लम है, चौंक के आसपास राउंड अबाउट है, घूम। कह रहे फिजिक्स तो बताओ तभी घूमूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आर एक कार है, नॉर्मल रिएक्शन देख तेरा कितना है? उसने बोला आर। मैंने कहा कहाँ? बोलता ऊपर, कार है, कार तो ये रही कार, ये रही कार। तो बोलता है कि ये जो है अगर कार है और ये जो कार है इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, वेट इसका एम जी है, आर इज इक्वल टू एम जी। ये चाहता है कि मैं भी सर्कल में घूमूं। अब R और mg तो कैंसल हो गए। वो कहते हैं इसको कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल, क्योंकि रूल तो फिजिक्स ये बोलता है कि चाहे कार है, चाहे प्लेन है, चाहे ट्रेन है, चाहे कुछ भी है, अगर वो सर्कल में घूमेगी तो इसको सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक काम कर, दो पहियों पे कार चला ऐसे करके तो मुड़ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या ठीक नहीं लगा सॉल्यूशन? ठीक है, बेंडिंग अब तो साइकिल को की तरह मोड़ेगा तभी मुड़ेगा ना। अगर तेरा साइकिल, वो कहता साइकिल मोड़ना आसान है, मैं हैंडल ऐसे करूंगा साइकिल, कार कैसे मोड़ू? अब मैं वो तू देख, पर अगर तेरे को घूमना है
तो तेरे को कार को ऐसे बेंड करना ही पड़ेगा, तभी तो राउंड अबाउट में घूम पाएगा, नहीं तो नहीं घूमता। आपकी तरह वो भी कंफ्यूज हो गया, यार ऐसे तो नहीं होता, कम से कम हमारी कारें ऐसे तो नहीं चलती, नॉर्मली चलती हैं, ऐसे घुमाते हैं मुड़ जाती है, ठीक। लेकिन फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोई मजाक नहीं कर रहा, कईयों को लग रहा है कि ऐसी बस कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, रियलिटी यही है। अगर आपको कार को मोड़ना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साइकिल की तरह तो साइकिल तो बेंड हो गया, कार को भी मोड़ने के लिए आपको बेंड करना ही पड़ेगा, वो तभी मुड़ेगी। क्यों? क्योंकि कार के केस में भी तो नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस कर रहा था साइक्लिस्ट की तरह, कार टेढ़ी होगी तभी तो नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा होगा, तभी तो इसका कंपोनेंट टुवर्ड्स सेंटर जाएगा और तभी तो केस सॉल्व होगा। अब वो कहता सर मैं कार को ऐसे बेंड नहीं कर सकता, तो मेरे को कोई बात नहीं मत कर, तो कार को नहीं कर सकता, कार किस पे चलेगी? कहता सड़क पे। मैं कोई बात नहीं, हम सड़क को बेंड कर देते हैं, ये सड़क उठा देते हैं, ये देख कार बेंड हो गई, देखो कार को, देखो डायग्राम, ये देखो कार बेंड हो गई। पहाड़ों में सच में सड़कें ऐसी ही होती हैं, जब रोड्स के डिजाइन बनते हैं पहाड़ों में तो फ्लैट सड़कें नहीं होती, हिल स्टेशन पे सड़कें खाई की तरफ ऊपर उठी होती हैं ऐसे, क्योंकि कार को तो दो पहिए पे चला नहीं सकते, तो फिर उठाने के लिए इसको सड़क को ऊपर उठा देते हैं, और देखो बेंडिंग हो गया, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के साथ बेंडिंग ऑफ कार हो गया। देखो लॉजिक है, गाड़ी कैसे चलेगी, सड़क तो उठ सकती है, तो हल्की हल्की सड़क को स्लोप बना देते हैं ऐसी ऐसी, ताकि वो ऐसे ना चल पाए, वो बेंड हो जाए और साइक्लिस्ट वाला केस सॉल्व कर पाए। फिर कोई कहने लगा यार ये तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, चलो हिल स्टेशन पे तो सड़कें उठा दी, ये राउंड अबाउट पे क्या करें, यहां कौन सी सड़क उठी हुई है, मैं आता हूं गोल घूमता हूं चला जाता हूं, क्या प्रॉब्लम है। तो उसने फिर एक और सॉल्यूशन दिया मैंने, अगर तुम बेंडिंग नहीं करना चाहते ना, ध्यान आगे, सड़क उठा लोगे फिर तो बहुत ही अच्छा है, पर जहां सड़क नहीं उठ सकती, हिल स्टेशन में तो उठ जाती है, पर नॉर्मल राउंड अबाउट पे भी तो गोल घूमना है, तो अगर वहां पर कार को घुमाना है और सड़क नहीं उठाना चाहते, तो फिर एक ही चीज बचा सकती है, और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बस टायर बढ़िया क्वालिटी के चाहिए, ऐसे मत लगा लेना घिसे हुए टायरों में स्लिप हो सकती है कार, और फिर सड़कें भी एकदम बढ़िया फ्रिक्शन के साथ चाहिए, फिर कार को तेज मोड़ोगे तो वो मुड़ जाती है, और मुड़ती है हमारी कार, क्या दिक्कत है, 60 की स्पीड पे आ रहे हैं, 40 पे तो मोड़ काट ही लेते हैं हम लोग भी, तो उसमें तो नहीं सड़कें उठी होती। राउंड अबाउट ये जो चौक काटते हैं, ये जो मोड़ है, मोड़ों पे भी तो मोड़ते ही हैं, क्या दिक्कत है, कोई बेंडिंग ऑफ वो नहीं है, या कोई सड़क को नहीं उठाया जाता। तो दो तरीके होते हैं कार को सर्कल में घुमाने के, या तो सड़क उठा दो या फिर फ्रिक्शन की फोर्स बहुत बढ़ा दो, उससे भी स्किडिंग नहीं होती, बाहर की तरफ नहीं जाती कार। तो हम जहां सड़क को ऊपर नहीं उठा सकते, वहां क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाते हैं ताकि कार टर्न ले सके। वो कैसे, वो आपको समझाऊंगा कैसे, बोलो। मैंने साइक्लिस्ट के केस में से कहा फ्रिक्शन बढ़ा दे तो क्या होगा, कम बेंडिंग हो जाएगी, हाँ हो जाएगा बेंडिंग। मत देखो अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है फिर बेंडिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, अगर फ्रिक्शन कम है फिर ज्यादा बेंडिंग की जरूरत पड़ती है, पर एक और ज्यादा बेंडिंग हो जाएगी, फ्रिक्शन कम है तो कार वो बाइक स्किड हो जाएगा। ये तो देखना पड़ेगा कि कितना फ्रिक्शन है कितनी बेंडिंग है, ठीक है यहां तक। पर हमने साइक्लिस्ट वाले केस में फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ली, आप चेक करो, ऑलमोस्ट वैसे होती है, जहां अगर मैं फ्रिक्शन ले लूं, अगर मैं फ्रिक्शन भी ले लेता, वैसे मैंने सिर्फ अफेक्ट ऑफ रिएक्शन बताया उसमें, एज्यूमिंग कि फ्रिक्शन इज स्मॉल निग्लेक्ट कर दी, पर रियलिटी में प्रैक्टिकली उतनी बेंडिंग की जरूरत होती नहीं है, हमें बेंड क्यों करेंगे इतना, उसकी जगह फ्रिक्शन बढ़ा देंगे तो कम बेंडिंग पे भी काम चलता है। तो दो ही तरीके होते हैं, या तो कार या बाइक का बेंड कर देना, कार या बाइक बेंड एक ही बात है, या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बढ़ा देना, इसी से सर्कल में घूमा जा सकता है, नहीं तो नहीं घूमा जा सकता। अगला टॉपिक इसी के ऊपर है, राइट, मैं करके दिखाता हूं कैसे, बोलो।
मेरे को एक चीज का आंसर दो, ठीक, मेरे को एक चीज का आंसर दो। मैं एक कार घुमाने जा रहा हूं और नॉर्मल लेवल रोड पे, प्लीज रोड उठाना नहीं है, पहले केस नॉर्मल रोड पे घुमाएंगे, फिर रोड को एक एंगल से ऊपर उठा के घुमाएंगे, राइट, दो केस करेंगे, पहले नॉर्मल फ्लैट लेवल रोड बोलते हैं या फ्लैट रोड बोलते हैं, और दूसरा एंगल पे, एंगल पे बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल घुमाते हैं। तो यानी कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन मुझे रखनी पड़ेगी तो कार नहीं घूमने वाली, पक्की बात है, ठीक। मेरा एक क्वेश्चन है, ये कार इस तरीके से घूमना चाहती है सर्कल में, ठीक, राउंड अबाउट सर्कल में, तो सर्कल का सेंटर कहां मिलेगा, इधर मिलेगा। तो अगर मैं कार चला रहा हूं और मैं गाड़ी को इस तरीके से मोड़ रहा हूं टुवर्ड्स राइट, तो ऑब्वियसली मैं ये राउंड अबाउट के आसपास घूम रहा हूं, राउंड अबाउट यहां तो नहीं हो सकता ना, मुड़ना अगर इधर है तो गोल चक्कर यही मिलेगा ना, वहां कैसे मिल सकता है, ठीक। पहला पॉइंट, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लो कि कार के चार पहिए हैं, दो सर्कल की तरफ, दो आउटसाइड, बाहर सर्कल से आउटसाइड है ना, ये कार दो पहिए इधर है, दो व्हील्स इधर है, तो मेरे को कार को घुमाना है, दो व्हील्स हमेशा आउटसाइड रहेंगे, दो व्हील्स इनसाइड रहेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पूरा दिन इसे घुमाता रहा बहुत स्पीड पे ऐसे गोल गोल गोल, कौन से व्हील्स जल्दी घिसेंगे, वेयर आउट हो जाएंगे, घिस जाएंगे, कौन से, अंदर के कि बाहर के? कितने लोग बोलते हैं इनसाइड, कितने बोलते हैं आउटसाइड, कितने बोलते हैं दोनों बराबर, क्योंकि पहिए तो मैं चार इकट्ठे चेंज करवाता हूं, दो तो करवाता ही नहीं कुछ भी, ठीक। और कितने बोलते हैं कि क्यों घिसेंगे यार, MRF के टायर लेंगे, घिसने की जरूरत क्या है, वो भी घिस जाएंगे ऑब्वियसली। बोलो, सारे घिस जाने चाहिए, नहीं ज्यादा कौन से घिसेंगे तो सारे, इतना तो तू पता है, ऐसे पहिए इनसाइड, कितने लोग आउटसाइड, आउटसाइड इनसाइड, सोच लो, कैमरा बचा, देखो मेरे को एक चीज का आंसर देना, आप, मैं कार हूं और लेफ्ट लेग दो पहिए, राइट दो पहिए, चलो मैं गोल घूम के दिखाता हूं आपको, यहां आपने एक टेबल रख दिया गोल सा या चेयर रख दी, बस मुझे कुछ नहीं करना है, गेम खेलनी है, वो खेलते हैं छोटे बच्चे, वो चेयर लगा के गोल 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 घूमते रहते हैं, तो वो चेयर हटा लेते हैं और वो जो पूरी गेम है राइट, तो उसमें बहुत जल्दी होती है हर किसी को, तो अगर तेज तेज घूमना है ध्यान से देखना, ये गोल गोल राउंड है, ये इनसाइड के व्हील्स हैं और ये आउटसाइड के व्हील्स हैं। इमेजिन करना कि मैं भागता हुआ आया और मुझे इस तरफ मुड़ना है राइट, इमेजिन करना है प्लीज, तो मैं भागता हुआ आऊंगा और मुझे इस तरफ मुड़ना है, तो मैं जैसी भागता हुआ आ रहा हूं तो मेरी स्पीड लीनियर है और मेरा किस पैर पे ज्यादा जोर पड़ेगा, राइट राइट, ठीक। फिर देखो मुझे इधर मुड़ना है ध्यान से, तो मैं भागता हुआ आ रहा हूं राइट, फिर मैं इधर जाऊंगा फिर राइट, क्योंकि मुझे हर वक्त मुड़ना है, तो इमेजिन करके देखना, घर पे जाना, दो कुर्सियां रख लेना, उसके आसपास गोल गोल घूम के देख लेना, अगर यहां अजीब लगता है तो ठीक, घर वाले पूछेंगे, कह देना कि ट्राई कर रहा हूं, प्रैक्टिकल कर रहा हूं सर्कुलर मोशन का, देखूं सही कौन सा जूते पे ज्यादा जोर पड़ रहा है और किस में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जब आप गोल गोल घूमेंगे ना, क्योंकि आप आउटसाइड गिरने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आउटर लेग पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, और इनर पे लगना होता, इनर गिरना होता, पर तो कुर्सी में ना गिर जाते, फिर तो बढ़िया है, गेम में कुर्सी में तो गिरना चाहते हैं, हम कुर्सी में तो गिरते नहीं, हम तो उल्टा बाहर जाके गिरते हैं राइट। पहला एग्जाम्पल, दूसरा चलो कोई बात नहीं, दूसरा देखो, सपोज करो कार की रेसिंग हो रही है, रेस हो रही है, कई बार कार पलट जाती है, कार कभी भी ग्राउंड के ऊपर नहीं पलटती, जो ऑडियंस है ना, वहां टायर रखे होते हैं, हमेशा आउटसाइड जाके गिरती है, ऐसा नहीं होता ग्राउंड के ऊपर, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, कार जा रही होगी बहुत तेज और बाहर आउटसाइड ही पलटती है, कि कार हमेशा
आउटसाइड जाने की कोशिश कर रही है। इवन ये भी छोड़ो, आप कभी भी अब आज के बाद कार में बैठना और थोड़ा मोड़ जब तेज कटेगा ना गाड़ी में, आप इमेजिन फील करना कि कौन, आपको पता लग जाएगा गाड़ी किस तरफ ज्यादा झुकी। अगर आपने इस तरफ मुड़ना है ना, तो गाड़ी जो है वो इस तरफ झुक के ही इधर जाएगी जब तेज मुड़ेगी। वैसे नॉर्मल मुड़ेगी कोई पता ही लगेगा, लेकिन अगर आपको कार को एकदम तेज मोड़ काटना है तो फिर इधर जोर पड़ेगा और फिर मुड़ेगी। आपने इतना ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मूवीज में देखते हो कार मुड़ रही है, सब टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, टूट फूट रही है। अब ध्यान से देखना, जब वो मुड़ेगी तो आउटर की तरफ ही ज्यादा जोर लगाएगी। क्लियर है यहाँ? नहीं तो अपनी टांग पे थोड़ा कष्ट कर लेना, पता लग ही जाएगा। देखोगे घूम घूम के तो पता लग ही जाता है। ठीक, मैं तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाई दिया आपको, राइट? तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन आता है बच्चों का, वो एक ट्रेन आती है, झूला बच्चे लेते हैं राउंड राउंड राउंड, तो उसकी जो रेल्स है ना, क्वेश्चन आता है एक ट्रेन घूम रही है सर्कल में दो रेल्स के ऊपर, कौन सी रेल जल्दी वेयर आउट होगी, घिसेगी? आउटर रेल हमेशा, क्योंकि जब ट्रेन भी घूमेगी तो वो भी आउटर की तरफ ही अपना जोर लगाएगी, क्योंकि हर वक्त वो टर्न कर रही है। देखो सीधा जाना है फिर कोई चक्कर नहीं, सीधा में तो बराबर लगता है, घूमने में चक्कर है। अगर मैं सीधा मैं भी दौड़ूंगा, दोनों लेग्स पे सेम प्रेशर है। प्रॉब्लम तो तब है जब मुझे इधर मुड़ना है, फिर मुझे आगे जाके फिर इधर मुड़ना है। तो देखो ना, मैं हर वक्त इसी कंफ्यूजन में हूं कि मैं बाहर ना गिर जाऊं और फिर इतनी देर में डायरेक्शन चेंज करता हूं। तो मैं आउटवर्ड रेल्स का आंसर मार्क करूंगा कि आउटवर्ड रेल जल्दी घिसेगी। तो इसको कम घिसाने के लिए क्या करना होता है, जो आउटर रेल्स है ना उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं ऐसे, तभी तो स्लोप बनी होती है रेल्स में। जब पहाड़ में जाओगे ना तो रेल्स ऐसे नहीं मिलेंगी आपको, एक ऊपर मिलेगी थोड़ी सी, एक नीचे मिलेगी, ताकि जोर कम पड़े, क्योंकि इस पे जोर ज्यादा पड़ रहा है तो ये जो है टॉलरेट कर पाएगा पूरा प्रेशर, और दोनों पे इक्वल जोर पड़ेगा। वो हम देखेंगे कैसे, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो अब मान लो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। अभी हम हिल स्टेशन पे नहीं गए, अभी लेवल रोड है, बराबर।